तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप को गिरफ्तारी पर प्रदर्शन ऐसा हो रहा है कि उनको रिहाई की मांग कर रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम बात करेंगे कि तमिलनाडु मामले में गिरफ्तार होने के बाद मनीष कश्यप का जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिनों उनके ऊपर एक गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी होने के साथ साथ उनको रिमांड मिला है और ये 7 दिन की बिहार पुलिस EOU ने अपनी 7 दिन की रिमांड मांगी है। इस मामले में 7 दिन के रिमांड के साथ साथ माना जा रहा है जब बिहार पुलिस की अगर रिमांड खत्म होगी तो तमिलनाडु पुलिस भी रिमांड ले सकता है, वो भी पूछताछ करेगा। इस मामले में बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो उनके अकाउंट में 42 लाख रुपए यानी कि 42 लाख रुपए है जो कोचिंग से लेते थे। कई उनके ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि ये किसी से घूस या किसी से कुछ लेकर उनको मिला है और उनके अकाउंट सीज कर दिया गया। इस मामले में बता दूं तो मनीष कश्यप की पूछताछ में बात चल रही है कि उनके ऊपर कई नेता का भी है, वहीं खान सर का भी नाम आ रहा है इस मामले में कि खान सर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पटना में, उनका भी नाम आ रहा है। बता दें कि इनके लिए खान सर को भी एक बार फिर से लपेटा जा रहा है इस मामले में, मगर ऐसा अभी तक जो है बिहार पुलिस उनको मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ा एक खुलासा कर रहा है। मगर इस बात को ताही काट तक करते हुए मनीष कश्यप जो अपने रिपोर्टर और अपने रिपोर्टिंग के तहत जो मंजिल हासिल किया, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े यात्रियों जो जहां नहीं जाना चाहते, जो व्यक्ति जो चीज नहीं कर पाता वो कर वो उस मुकाम पर पहुंचा, मगर वो बताया जा रहा है कि इस मामले में मनीष कश्यप का जो फैंस है वो 23 तारीख को बिहार बंद का एक ऐलान करने वाले हैं, जिसमें बिहार बंद रहेगा 23 तारीख को। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि बिहार को भी बंद कर सकता है। दोस्तों, उनके फैंस इतने आग बबूला हो गए कि कह रहे हैं कि बिहार तो बंद होगा ही होगा और मनीष कश्यप का भी रिहा करना जरूरी है। अगर मनीष कश्यप को नहीं रिहा कर किया गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस मामले में, ऐसा जो है मनीष कश्यप का फैन है वो कह रहा है। बहुत जगह से मनीष कश्यप की सपोर्ट आ रही है, मनीष कश्यप ट्रेंडिंग में थे। हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है। कल की बात करें तो ट्रेंडिंग में था मनीष कश्यप पटना। इस मामले में इस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर उनके फैंस जो है आवाज़ उठा रहे हैं वो बहुत ही उनके लिए लाभदायक है। आने वाला वक्त में मनीष कश्यप को लेकर एक बार फिर से उनको बात को रखा जाएगा। इस मामले को लेकर मनीष कश्यप अपने आप को संभाल नहीं पाए, मगर उनको गिरफ्तारी तो हो गई। अब देखना है कि जो है बिहार की EOU कितने दिन तक उनको 7 दिन की रिमांड मिली है और कितने दिन तक उनको रिमांड ले सकता है या तमिलनाडु पुलिस को रिमांड देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।